इस घर में हुई घटना के कारण आज पुलिस यहाँ छानबीन करने के लिए आई हुई है। पुलिस को क्राइम सीन से हत्या में प्रयोग किया गया तलवार और कुछ तंत्र मंत्र का सामान मिला है, जिसके कारण बलि चढ़ाने के लिए मर्डर का अनुमान किया गया है। मेरा नाम जेम्स है और मैं मेरे दोस्त सूर्या के साथ इस घर के ग्राउंड फ्लोर में रहता था। करीब 2 महीने पहले मैं सूर्या के साथ हॉस्टल छोड़कर इस घर में रहने को आया था। इस एरिया में बहुत कम घर था और शायद सामने कब्रिस्तान होने के कारण से हमें रूम सस्ते में मिला था। हम नए कमरे में शिफ्ट तो हो गए, लेकिन सामने ही कब्रिस्तान है, कहीं भूत भूत का चक्कर तो नहीं है इस कमरे में? ये क्या बोल रहा है, भूत भूत कुछ नहीं होता है। हम सुबह एक साथ कॉलेज जाते थे, लेकिन शाम को मैं अकेला घर लौटता था क्योंकि सूर्या हमारे क्लास के बाद क्लब जाता था पार्ट टाइम काम करने के लिए और रात को करीब 10 बजे घर लौट आता था। थोड़े दिन के बाद मैं कॉलेज से घर लौट रहा था, मुझे अचानक कोई कब्रिस्तान में दिखाई दिया जिसने काला कपड़ा पहना हुआ था। मैं उन्हें देखते हुए चल रहा था और लगा शायद किसी रिश्तेदार की कब्रिस्तान देखने आई होगी। उन्होंने मुझे नोटिस कर ली और वो भी मुझे देखने लगी। अगले दिन मैं फिर से घर लौट रहा था, रास्ते में मुझे वही औरत दिखाई दिया, काले कपड़े में, असामान्य फीका रंग था उनका, बड़े बड़े आंखें, लंबे काले बाल, देखने में बिल्कुल चुड़ैल की तरह लग रही थी। और डरते हुए मैंने कहा, हेलो कैसी हो आप, पर वो मुझे बस घूरने लगी, ना ही कोई रिस्पॉन्स दिया और मैं भी जल्दी जल्दी अपने रूम की तरफ जाने लगा। उसी रात करीब 9 बजे मैं असाइनमेंट कर रहा था, मुझे किसी की गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दिया और लगा कि ये जरूर वही औरत है और सोचने लगा वो सच में एक चुड़ैली है। बाद में मैंने ये बात सूर्या को भी बताया, पर उसने मेरे बातों पर विश्वास नहीं किया। तीसरे दिन फिर से वही चुड़ैल दिखाई देगी सोचकर मैं डरते हुए रूम जा रहा था, लेकिन यहाँ वहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और मैं सुकून से चलने लगा। फिर अचानक नीचे के घर के बाहर मुझे एक सुंदर लड़की दिखाई दिया। मुझे लव एट फर्स्ट साइट में कभी विश्वास नहीं था, लेकिन उस लड़की को देखने के बाद मुझे पता चला ये लव एट फर्स्ट साइट क्या होता है। मुझे उस लड़की से प्यार हो गया था। जब से उसे देखा बस हर पल में उसे ही याद करने लगा। अगले दिन ये सोचकर घर लौट रहा था कि वो सुंदर लड़की फिर से दिखेगी, लेकिन फिर वही चुड़ैल की गुनगुनाने की आवाज सुनाई देने लगा और यहां वहां देखने पे मुझे वो चुड़ैल कब्रिस्तान में दिखाई दिया। चुड़ैल दूसरी तरफ मुड़ी हुई थी। इससे पहले कि वो मुझे देखे मैं जल्दी जल्दी घर के तरफ चलने लगा, पर अचानक नीचे के घर के सामने वही सुंदर लड़की दिखाई दिया और मैं वहां रुक गया। तब मुझे पता चला गुनगुनाने वाली तो वो थी। नर्वस के कारण जोर से मेरा दिल धड़कने लगा और मैंने कहा, हाय तुम बहुत अच्छा गाती हो। वो कंफ्यूज्ड होते हुए मुझसे बातें करने लगी और अपना नाम प्रिया बताया और हम उस दिन से
एक अच्छे दोस्त बन गए। कुछ दिनों के बाद बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था। किसी ने दरवाजा खटखटाया और मैं सोचते हुए दरवाजा खोलने गया। आज सूर्य इतने जल्दी कैसे वापस आ गया? लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो वहां सूर्य नहीं बल्कि प्रिया बारिश से पूरी तरह भीगी हुई थी। उसने कहा कि उसकी सहेलियां अब तक घर नहीं लौटी है और उसे अपने कमरे में डर लग रहा था, इसीलिए वो वहां आई है। और फिर मैंने उसे टॉवल दिया अपने बदन को पोंछने के लिए। लेकिन प्रिया ने अपने कपड़े उतार कर टॉवल को लपेट लिया था। फिर मैं शर्माते हुए हम बिस्तर में बैठ गए और मैं सोचने लगा सूर्य आकर क्या सोचेगा। मुझे पता नहीं चला रात को कब सो गया। मैंने आंखें सीधा सुबह खोला। मेरा एक पैर दुख रहा था तो पैंट को ऊपर करके देखा तो वहां दाग दिखाई दिया, जो मुझे नहीं पता चला कि कैसे मेरे पैरों में वो दाग आ गया था। प्रिया भी चली गई थी पर सूर्य अब तक घर नहीं लौटा था, इसलिए मैंने फोन उठाया उसे कॉल करने के लिए तो मुझे उसका मैसेज मिला। लिखा था अचानक कुछ दिनों के लिए वो गांव जा रहा है। रात को मैं फिर से असाइनमेंट कर रहा था। बाहर गुनगुनाने की आवाज सुनकर प्रिया आई होगी कहकर मैंने दरवाजा खोला। मुझे दरवाजे पे देखकर उसने पूछा कि कैसे मुझे पता चला कि वो दरवाजे पे है। उसकी बातें सुनकर मैं मुस्कुराया और उस रात से हमारे बीच एक नया रिश्ता बना। उसके बाद वो हर रात आने लगी और सुबह होने से पहले चली जाती थी। कुछ दिनों के बाद सभी कॉलेज में पूछते थे जैसे कि मैं बीमार हो गया हूँ। मैं भी ये सोच कर रूम जा रहा था कि क्या मैं सच में बीमार हूँ। अचानक मेरे आगे मैं जिसे चुड़ैल कहता था आकर खड़ी होकर कहने लगी, सुन लड़के, तू जिस लड़की से हर रात मिलता है वो एक चुड़ैल है जिसके वजह से तू बीमार हो रहा है। उसकी बातें सुनकर मैंने गुस्से में कहा, नहीं, असली चुड़ैल तो तुम हो। मैंने तुम्हें कई बार अकेले कब्रिस्तान में देखा है और मेरे गर्लफ्रेंड पे झूठा आरोप लगा रही हो। फिर उसने कहा कि वो एक जादूगरनी है इसलिए कभी कभार उसे कब्रिस्तान जाना पड़ता है। लेकिन मैं उस औरत की बातों में विश्वास नहीं कर रहा था तो उसने कहा कि मैं लड़की की गुनगुनाने की आवाज़ सुनता हूँ और मुझे रुकने को कहकर उसके घर के अंदर जाकर एक आईना, तलवार और कुछ तंत्र मंत्र के सामान लेकर आई और कहने लगी कि ये आईना लेकर रूम के दीवार में लगा देना और ये कुछ तंत्र का सामान जैसे कहा है वैसे ही रखना, और जब वो चुड़ैल आएगी उसकी सारे कपड़े निकाल कर उसे इस आईने में देखना, तुम्हें उसका असली रूप दिखाई देगा। लेकिन तुम्हें उसे देखकर डरना नहीं है, अगर उसे पता चला कि तुम डर गए हो तो तुम्हें उसी वक्त वो मार देगी। फिर मैंने पूछा इस तलवार का क्या करूँ तो उसने कहा कि जब पता चलेगा वो लड़की चुड़ैल है तो उसे आंखें बंद करने को कहकर उसका गला धर से अलग कर देना और ठीक 12 बजे वो जादूगरनी मंत्र पढ़ते हुए आएगी, उस तरह चुड़ैल से छुटकारा मिलेगा। और मैं अपने रूम की तरफ निकल गया। मुझे उस जादूगरनी की बातों में विश्वास तो नहीं था, फिर भी क्या होता है देखने के लिए मैंने रूम में सब कुछ उसी तरह रखा।
हर रातों की तरह प्रिया आई और थोड़ी देर तक बातें करने के बाद उसकी कपड़े उतारने लगा। उसके बाद मैंने एक काला पट्टी प्रिया के आंखों में बांध दिया और उसे आईना के सामने लेकर गया। मेरे सामने प्रिया जवान और खूबसूरत लड़की थी, लेकिन आईना के अंदर बदसूरत बूढ़ी औरत मेरे सामने खड़ी थी। वो देखकर मुझे विश्वास हुआ कि प्रिया ही चुड़ैल है और डर के मारे मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा। लेकिन किसी तरह हिम्मत करके मैंने तलवार निकाल कर प्रिया का सर काट दिया। फिर मैंने जादू करने के लिए दरवाज़ा खुला रखकर एक कोने में बैठ गया। अचानक फिर से चुड़ैल की गुनगुनाने की आवाज़ आने लगा तो मैं डरते हुए प्रिया कैसे मरी नहीं सोचकर उसकी सर की तरफ देखने लगा, पर वो तो बेजान जमीन पे पड़ी हुई थी। फिर दरवाजे की ओर देखा जहाँ से आवाज़ आ रहा था। जादूगरनी को गुनगुनाते हुए देखकर मुझे पता चला प्रिया चुड़ैल नहीं थी। पहले से वो मुझे प्रिया पे शक कराने की कोशिश कर रही थी। और इस घर में पुलिस को जो लाश मिला है वो प्रिया और मेरा है। दोस्तों, अगर आपको हॉरर स्टोरीज देखना पसंद है तो इस चैनल को सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, और हमें आप सोशल साइट्स में भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।